आज फिर से हमारे किचन में आपका स्वागत है। आज आपको मैं पालक की सब्जी कैसे बनाई जाती है उसकी विधि बताती हूँ। और पालक अपने शरीर के लिए बहुत ही फायदा करता है और पालक में भरपूर मात्रा से कैल्शियम पाया जाता है, तो ये बहुत ही पौष्टिक, शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक सब्जी होती है। तो बनाने के लिए ये पालक है और ये 3 से 4 बॉयल हुए आलू हैं, ये 2 से 3 हरी मिर्च हैं, ये दालचीनी है। दालचीनी इसलिए डाला जाता है ताकि इसका टेस्ट सब्जी का अच्छा लगे। ये 1 तेज़पत्ता है, ये जीरा है, ये हींग है, ये मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, नमक भी स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर है, ये गरम मसाला है, ऑयल है, ये 3 से 4 लाल मिर्च काली मिर्च हैं और ये मटर है, ये खड़ा धनिया है। तो मिक्स सब्जी बनाएंगे मटर और आलू और पालक की। तो सबसे पहले पालक को काट के थोड़ा बॉईल करते हैं, भगोना लेते हैं। पालक को काट के बॉईल करेंगे हल्का। ये पालक अपना कट चुका है, अब इसमें हल्का पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना, गैस पर रखते हैं, गैस ऑन करते हैं। अब इसको बॉईल करेंगे हल्का, ढक्कन लगाएंगे, ढक्कन हटा के देखते हैं। पालक अपना बॉईल हो चुका है, गैस बंद करेंगे। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये पालक अपना ठंडा हो चुका है, अब इसका ये जो पानी है इसको भी पीसेंगे। पानी डाल के ये जो इसका पानी बाहर निकालेंगे, इसमें भरपूर मात्रा से कैल्शियम पाया जाता है। तो इसका ग्रेवी तैयार करेंगे, मिक्सी में डालते हैं, जार में डालते हैं। जो भी हरी सब्जी है उसमें से सबसे ज़्यादा पौष्टिक सब्जी शरीर के लिए पालक की सब्जी होती है। ये सब्जी बच्चों को भी बहुत फायदा करती है। इसमें ये जो हरी मिर्ची है ये भी डालते हैं। हरी मिर्ची डाल दिए, अब इसमें दालचीनी के 2 टुकड़े डालेंगे, थोड़ी अदरक भी डालते हैं। ये जो खड़ा धनिया है ये भी डालते हैं। ढक्कन लगाएंगे, पीसेंगे, ग्रेवी तैयार करेंगे पालक की। ये हमारी पालक की ग्रेवी तैयार है। कढ़ाई लेते हैं, गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देते हैं। कढ़ाई अपनी गर्म हो चुकी है, ऑयल डालते हैं, ऑयल को भी गर्म होने देते हैं। ऑयल अपना गर्म हो चुका है, सबसे पहले जीरा डालेंगे, तेज पत्ता डालते हैं, 3 से 4 खड़ी मिर्च, लाल मिर्च डालेंगे, हींग डालते हैं, मसाले को अच्छे से भूनेंगे। अब जो ये पालक की ग्रेवी है उसको डालते हैं। ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मिर्च पाउडर डालते हैं, मिर्च पाउडर अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, नमक भी अपना स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर डालते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो मटर है ये भी डालते हैं, ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे, ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे, इसमें ढक्कन लगाएंगे। ग्रेवी अपनी तैयार हो रही है। ये जो आलू है बॉईल कर रखे हैं, इसका छिलका है वो निकालते हैं। ये अपनी ग्रेवी तैयार होने लगी है।
थोड़ा और पकाएंगे। ये ग्रेवी अपनी तैयार है। ये जो आलू के छिलके निकाले हैं, आलू को थोड़ा सा इस तरीके से दबाएंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। आलू को ज़्यादा बारीक नहीं करें। अब जो पालक की ग्रेवी है उसमें आलू मिक्स करते हैं। इसको चाहो तो सूखे भी बना सकते हैं और थोड़ी रसीली भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, पानी ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, थोड़ा सा हल्का सा पकाएंगे। ये हमारी आलू पालक की सब्जी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें गरम मसाला डाल के मिक्स करेंगे। अगर आप इस तरीके से पालक की सब्जी बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगी सब्जी, खाने में बहुत स्वादिष्ट सब्जी लगती है पालक की। और हरी सब्जियों में से सबसे ज़्यादा पौष्टिक सब्जी होती है पालक की सब्जी। गैस बंद करेंगे, धनिया पत्ती सर्व करेंगे। अगर आप हमारे इस तरीके से पालक की सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी लगेगी खाने में। तो हमारी पालक आलू और पालक मटर की मिक्स सब्जी बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताएं। और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जो सबसे पहले न्यू वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।